तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल के कमाल के एक नए फीचर के बारे में, या फिर बोल सकते हैं अगर आप अपने मोबाइल में गूगल का सर्च ब्राउजर यूज करते हैं या फिर बोल सकते हैं सर्च टैब यूज करते हैं तो आपको ये वाला फीचर मिलने वाला है, एआई टूल। ये एआई टूल जो है गूगल के सर्च वाली ऐप में भी आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कैसे यूज करेंगे और एक्चुअल में इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल सर्च के एक कमाल के ऐप के, या बोल सकते हैं कमाल के नए फीचर के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल से प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद अपने गूगल क्रोम को या गूगल जो ऐप है उसको अपडेट कर लेना है। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो हो सकता है ये वाला फीचर आपको ना मिले। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखता है कि नीचे से आपको एडवर्टाइजमेंट आती है और ऊपर आपको यहाँ पर सर्च करने को दिया जाता है। अगर यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये आपको यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाता है। नीचे की तरफ आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी और सब वेबसाइट्स को आपको खोल के चेक करना पड़ता है। बट जो गूगल का एक नया फीचर आया उससे ये होगा कि आपको कहीं भी वेबसाइट में क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज़ आपको बाहर ही डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है, लेफ्ट एंड राइट पर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पर, SGE जनरेटिव AI इन सर्च। ये AI है, यस AI है। AI के थ्रू आपको सर्च रिजल्ट बताएगा ताकि आप अपने जो भी काम है फास्टर, क्विक और बहुत ही इजीली कर सकें। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सुपर चार्ज यू सर्च टू फाइंड व्हाट यू लुकिंग फॉर इन फास्टर इजी वे, गेट AI पावर्ड ओवरव्यू टू क्विकली गेट द आइडियाज और टॉपिक एंड ईजी फॉर फॉलोस। तो आपको इसको यहाँ पर ऑफ रहता है बाय डिफॉल्ट, आपको यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपसे ये परमिशन मांगेगा, आपको उसको एग्री पे क्लिक कर देना है एंड देन वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद जो भी चीज़ यहाँ पर आप सर्च मारेंगे, लाइक मैंने ये सर्च मारा है, तो ये मैंने सर्च मारा है, आपको जनरेटिंग करके ये दिख रहा होगा, ये AI के थ्रू ये जनरेट हो गया। जो यहाँ पर पिंक कलर की जो स्क्रीन दिख रही है आपको AI के थ्रू यहाँ पर जनरेशन हो गया। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था उसके थ्रू यहाँ पर पूरा उसने आंसर बता दिया आप देख सकते हैं, और उससे रिलेटेड यहाँ पर नीचे आपको वीडियोस दे दिए, टॉपिक बता दिए। डायरेक्ट आप क्लिक करके यहाँ पर उसको अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप और कोई भी और भी कुछ यहाँ पर पूछेंगे, जो भी कुछ यहाँ पर आप पूछेंगे तो सब वो AI के थ्रू यहाँ पर आपको जनरेट का ऑप्शन बता देगा। यहाँ पर आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा AI के थ्रू वहाँ पर जनरेट होके आ जाएगा और एक एक चीज़ आपको डिटेलिंग में बता देगा। और अगर आप सुनना चाहते हैं उसको, यहाँ पर लिसन पे क्लिक कर देंगे तो वो पूरा यहाँ पर रीडिंग फॉर्म में भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सुन सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ मिल जाएगी जो कि मैंने यहाँ पर सर्च मारा, आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड जो भी चीज़ होंगे वो सब आपको यहाँ पर बता देगा। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे तो भी आपको यहाँ पर सजेशन कर देगा। आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपको इनमें से किसी को सर्च करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, वो भी AI के थ्रू आपको वहाँ पर आंसर मिल जाएगा। एक ऊपर रहेगा, एक नीचे, उसके आंसर आपको आंसर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा भी अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं, एनी अदर और भी कुछ पूछना चाहते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर करेंगे वो भी उसी टॉपिक के रिलेटेड जाएगा और उसके थ्रू भी आपको वहाँ पर आंसर बता दिया जाएगा। मतलब कि जो नॉर्मल AI जैसा कि आपने ChatGPT यूज़ करा हो सेम उसी तरीके से ये वाला यूज़ होगा, बट ये बहुत ही शानदार है क्योंकि गूगल का है तो गूगल के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। वो सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके यहाँ पर आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ करके वाला AI काम करने वाला है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पूछा था टूरिस्ट प्लेस के बारे में तो उसके रिलेटेड उसने बहुत सारे यहाँ पर आपको बता दिए। नहीं तो पहले आपको एक एक को एक एक वेबसाइट में जाके देख करना पड़ता था, वो सब चीज़ें यहाँ पर टाइम बच गया। और भी अगर आप यहाँ पर कुछ पूछते हैं, जो भी कुछ आप वहाँ पर पूछेंगे सब ऑटोमेटिक AI से रिलेटेड वो खुद बता देगा। और वहाँ पर आप जाके एक एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं और नीचे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सब यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। आप इसी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऐसा क्लिक कर देना है, पूरा AI यहाँ पर पूरी रिलेटेड यहाँ पर खुल जाएगा। आप यहाँ पर पर्सनली एक एक सवाल करके भी वो क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरीके से वाला फीचर यूज़ करते हैं जो कि मैंने आपको बताया, बहुत शानदार फीचर लगा मुझे। तो इस तरीके से वाला फीचर आप यूज़ करते हैं, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों जो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।